हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, कोई आपसे मिलना चाहता है तो क्या सोच के वो मिलने के बारे में सोच रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। ओरेकल में से 10 कार्ड लेंगे और टैरो में से 5 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। आप टैरो में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। पहला ही कार्ड है द सन का। तो सन का कार्ड तो टैरो में से सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है, यानी कि ये जैसे यहाँ पे ये पर्सन देख सकते हैं आप, फ्लैग लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे अंधेरे में किसी को कोई दिशा समझ में नहीं आती, हम कुछ देख नहीं पाते, आगे का रास्ता किस तरह का है, वहाँ क्या है, कोई खतरा तो नहीं, ये हम महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमें कोई दिखाई नहीं देता अंधेरे की वजह से। लेकिन सन की एनर्जी ऐसी होती है कि ब्राइटनेस बहुत होता है, क्लैरिटी बहुत होती है, यानी कि सूरज की रोशनी में हमें कोई भी चीज़ हम अगर ढूंढने को निकले तो हम ढूंढ सकते हैं, इतना उजाला होता है, यानी कि क्लियर वे होता है। तो कहीं ना कहीं एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी मिल रहे हैं। देखते हैं कार्ड क्या कह रहा है। अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफनीज दैट लीड टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। तो डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये क्लॉक है, डिवाइन टाइमिंग शायद आप दोनों का बहुत नज़दीक आ गया है, जिसकी वजह से मे बी आप दोनों यूनियन में आने के चांसेस है, शायद इसलिए ये पर्सन को फील हो रहा है कि इन्हें आपसे मिलना है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मेक अ चॉइस, स्टॉप प्रोकास्टिंग एंड और ओवर एनालाइजिंग, गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड, टू मेनी ऑप्शंस, एडिक्शंस। तो एडिक्शंस का मतलब ये भी है कि शायद ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से, अगर बिल कोई पर्सन है तो हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह ले रहे थे और ख़ुद को उस हालात में समझाने की, यानी कि दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एनालाइजिंग कर रहे थे, यानी कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा, अभी हालात कैसे है, मतलब जो चीज़ें शायद रियलिटी में भी नहीं है उससे ज़्यादा आगे जाके ये पर्सन सोच रहे थे, जिसकी वजह से शायद उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। और ये सब अलग अलग जैसे बबल्स होते हैं, कि बबल जो हवा में होते हैं वो कितनी देर तक रहेंगे ये हम नहीं बता पाते, वैसे ही ये पर्सन के मन में शायद एक के बाद एक थॉट्स आते ही रहते थे, जिसकी वजह से शायद उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जब सन की क्लैरिटी आ चुकी है तो उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें करना क्या है, और शायद इसीलिए वो मिलना चाहते हैं या फिर मिलने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। स्कॉलरी, चेयरफुल, डिपेंडेबल, मिस्चीवियस, टाइम टू गेट टू वर्क एंड एक्सलेंट अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट इटसेल्फ, हैप्पी न्यूज अबाउट योर करियर, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप, अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। तो शायद कुछ वक्त से अगर ये पर्सन करियर को लेके कुछ सोच रहे थे, यानी कि अगर उन्हें कुछ हर्डल्स वगैरह आ रहे थे, कुछ मुश्किलें आ रही थी, कुछ दिक्कतें ये फेस कर रहे थे अपने करियर लेवल पे, तो ये कार्ड बताता है कि शायद उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कोई नया करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा, या फिर करियर में किसी का प्रमोशन भी हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ये थोड़े से चीयरफुल हो रहे हैं, और वही शायद सेलिब्रेशन, यानी कि आपको भी ये गुड न्यूज़ देने के लिए शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, करिश्मेटिक, ग्राउंडेड, अ टाइम
to of great success, financial security and prosperity, a mirror touch, everything turning out beautifully, a supportive parent or spouse, a great person to work for. तो ये person शायद अपनी career को लेके कुछ disturb थे, शायद इस वजह से वो आप तक reach out नहीं हो पा रहे थे. Maybe family life में भी कुछ लोगों की कुछ दिक्कतें चल रही थी, कुछ ups and downs चल रहे थे, लेकिन अब ये उन दिक्कतों से यानी कि उस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आए हैं, शायद इसलिए ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं. और फाइनल कार्ड है 8 of Cups का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसेस. द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन वॉट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इज प्रायोरिटीज, लीविंग होम. तो ये कार्ड यही बताता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें जिंदगी में मूव ऑन होने की जरूरत है. जैसे ये पर्सन दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ जा रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि उन्हें मूव ऑन होना है, और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि आपके साथ. तो ज़रूरी है कि आपसे मिलना तो पड़ेगा. और ये भी है कि उन्हें जो भी एक्सपीरियंस मिले हैं उससे शायद उन्होंने कोई सबक ज़रूर सीखा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि लाइफ में कोई बिग चेंजेस आए, जैसे शादी, ब्याह, एंगेजमेंट. ये सब बातें हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाती है, और ये पर्सन भी शायद ऐसा ही कोई चेंज चाहते हैं. चेंज इज़ प्रायोरिटी. तो अब इस पर्सन के लिए यही प्रायोरिटी है कि उनको अपनी ज़िंदगी में ये चेंज चाहिए, लिविंग होम. तो कुछ लोग शायद करियर को लेके भी अपने घर से थोड़े से दूर जा रहे हैं, या फिर अपने करियर को लेके भी कुछ लोगों की प्लेस वगैरह चेंज होने के चांसेस है. मे बी वहाँ पे वो नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी कुछ हो सकता है. तो शायद इसी बात को लेके आपसे वो डिस्कस करना चाहते हैं. सही बात. कुछ बातें कई बार हमें समझ में तो आती है, लेकिन उस बात को सही मान के हम आगे नहीं बढ़ पाते. लेकिन राइट नाउ इस पर्सन को लगता है कि जो कुछ भी इन्होंने ज़िंदगी में अब सोचा है वही उनके लिए सही बात है. यानी कि अगर ये पर्सन बिग चेंज चाहते हैं तो और मूव ऑन होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सब करना यही सही बात है, और शायद यही सही बात उन्हें आप तक रीच आउट होने के लिए मजबूर कर रही है. सपने, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपने देख चुके हैं या फिर देख भी रहे हैं, और उन्हें लगता है ये सपने आपके बगैर अधूरे हैं. यानी कि इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ बहुत सारे सपने देख चुके होंगे शायद, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके बिना ये सपने ट्रू होने बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और शायद इसीलिए अब ये आपके साथ ज़िंदगी में मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं खुद को सज़ा. तो शायद आपसे खुद को दूर रख के ये अब तक खुद को सज़ा दे रहे थे, लेकिन अब ये सज़ा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही. यानी कि ये अब पेशेंस, ये जो वक्त है, ये डिवाइन टाइमिंग अगर आपका आ चुका है तो उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें आपसे मिलना ही है. मन की गहराई, तो अपने दिल की गहराई से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में, और आप दोनों के प्यार की जो गहराई है वो भी इनको समझ में आ गई है. यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ब्रेकअप मेकअप करने में उन्हें ज़रा भी वक्त नहीं लगता, वो ज़िंदगी में इजीली मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है. आप आज भी उनको सच्चे दिल से याद करती हैं या करते हैं, और ये आप दोनों के दिल की जो गहराई है, जो जज्बात है, ये उस पर्सन को समझ में आ चुके हैं. डर, शायद कुछ लोगों को आगे बढ़ने का डर था, ज़िंदगी में कुछ फैसले लेने का डर था, लेकिन अब शायद उन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है, और इसीलिए शायद वो थोड़ा हिम्मत दिखाना चाहते हैं, अंदाज़ा लगाना. तो कुछ लोग ये भी हो सकता है कि अंदाज़ा लगाने के लिए मिलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि आपको भी उनके साथ मूव ऑन होना है. आपने क्या सोचा है ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को लेके, या फिर आपके फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में आप कितना और वेट कर सकते हैं, इस तरह के भी कुछ सवाल शायद इनके मन में हैं. शायद उसी का अंदाज़ा लगाने के लिए भी ये मिलने के बारे में सोच रहे हैं किस्मत के भरोसे. तो ये बात तो उन्हें समझ में आ गई है कि किस्मत के भरोसे अगर हम सिर्फ बैठे रहे और कोई एक्शन नहीं ली तो पता नहीं हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे भी या नहीं जो हम चाहते हैं. तो शायद इसीलिए वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और ये एक्शन है आपसे मिलके कुछ नया स्टार्ट करने का. समाधान यानी कि सॉल्यूशन. तो वो इस बात के लिए सॉल्यूशन कुछ निकालना चाहते हैं, यानी कि मूव ऑन तो होना है ज़िंदगी में, और शायद करियर से रिलेटेड भी कुछ बातें अब सॉल्व हो चुकी है,
तो अब क्या सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि अगर जॉब प्लेस चेंज करनी है तो इसके लिए भी ये पर्सन शायद रेडी है। महसूस होना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जज्बात ये रिसेंटली महसूस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 7 कप्स का कार्ड है, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा जज्बात उमड़ रहे हैं और एक के बाद एक आपसे जुड़ी बातें अगर इनके मन में आ रही हैं तो आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा एडिक्शन का मैटर भी हो रहा है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि आपकी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में और ये उन्हें शायद महसूस हो रहा है बेहतर रास्ता, तो ज़िंदगी में मूव ऑन होना चाहते हैं और ज़िंदगी में बेहतर रास्ता शायद वो ढूंढ रहे थे जो शायद उन्हें मिल रहा है, या उन्हें लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में आगे चलना यही उनके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। तो कुछ भी बात हो सकती है, जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।